स्तर पे जो विमर्श हुआ या निर्देश मिले उसमें ये हो कि लखनऊ के क्षेत्र जो है बढ़ाया जाए, क्योंकि हैपजर्ड डेवलपमेंट हो रहा है जहाँ कोई रेगुलेशंस नहीं है। स्पेशली आप अगर अयोध्या रोड की तरफ जाएंगे या सुल्तानपुर रोड की तरफ जाएं, तो जो क्षेत्र हमारे एरिया में नहीं है और वहाँ रेगुलेशन नहीं है, क्योंकि कोई अथॉरिटी भी नहीं रेगुलेट करने वाली। न सिर्फ लखनऊ के लोगों के लिए बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी पहल हो रही है। राजधानी लखनऊ बहुत जल्द एक नए स्वरूप में आपके सामने आएगी और सुनियोजित विकास का एक परिदृश्य यहां पर देखने को मिलेगा, जिसका शायद कई दशकों से इंतज़ार था लखनऊ को और लखनऊ के आसपास जो क्षेत्र हैं वहाँ के निवासियों को। LDA के VC साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इंद्रमणि त्रिपाठी जी। त्रिपाठी साहब, क्या परिकल्पना है जिसको साकार करने के लिए अब आप लोगों ने कमर कस ली है? देखिए, लखनऊ का जो अर्बन एग्लोमरेशन की बात अगर हम करें तो क्षेत्र काफ़ी विस्तारित हुआ है, नगर निगम का भी क्षेत्र विस्तारित हुआ है और अब जो लखनऊ विकास प्राधिकरण का क्षेत्र है उससे बड़ा नगर निगम का क्षेत्र हो गया है और उसके बाद भी मेट्रोपॉलिटन एरिया का क्षेत्र है। तो उच्च स्तर पे जो विमर्श हुआ या निर्देश मिले उसमें ये हो कि लखनऊ के क्षेत्र जो है बढ़ाया जाए, क्योंकि हैपजर्ड डेवलपमेंट हो रहा है जहाँ कोई रेगुलेशंस नहीं है। स्पेशली आप अगर अयोध्या रोड की तरफ जाएंगे या सुल्तानपुर रोड की तरफ जाएं, तो जो क्षेत्र हमारे एरिया में नहीं है वहाँ रेगुलेशन नहीं है, क्योंकि कोई अथॉरिटी भी नहीं रेगुलेट करने वाली। तो इस क्षेत्र को जो अर्बन मेट्रोपॉलिटन एरिया है उस क्षेत्र में विस्तार किया जाए। एक दूसरा कॉन्सेप्ट है कि इसे और विस्तारित किया जाए। तो जो रिपोर्ट मांगी गई थी शासन से उसमें हम लोगों ने ये भेजा है कि हम लखनऊ के जो अर्बन एरिया अपना सीमा क्षेत्र है प्राधिकरण का, उसे मेट्रोपॉलिटन एरिया के को टर्मिनस करने के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा है। तो लखनऊ का क्षेत्र, लखनऊ में जो लखनऊ विकास प्राधिकरण है उसका क्षेत्र कई गुना बढ़ेगा, लगभग 3 गुना आपका एरिया हो जाएगा जितना वर्तमान में, ऐसा कहा जा रहा है। तो सुनियोजित विकास जो है वो धरातल पर किस तरह से उसको उतारने की योजना है और लखनऊ के लोगों को उनकी जीवन शैली को इससे क्या लाभ आप देख पा रहे हैं? अभी हमारी महायोजना 2031 है और नए क्षेत्र को लेकर फिर से हम महायोजना का एक प्लान करेंगे और जिससे कि जो आउटर आप देख रहे होंगे कि किसान पथ के आने से आउटर रिंग रोड हमें मिल गया है, तो अब ट्रैफिक के बारे में और साथ साथ प्लानिंग के बारे में प्लस लॉजिस्टिक प्लानिंग के बारे में हर चीज़ को लेके हमें उस तरह से प्लान करना पड़ेगा और उस तरह से चीज़ें भविष्य के 2051 को लेके आरक्षित करनी पड़ेगी। तो जैसे ही निर्णय हो जाता है ऊपर स्तर से, उस तरह से हम प्लान करेंगे। एक चर्चा है और लोगों के दिलों में भी एक सवाल है, लोगों की इच्छा भी है कि जिस प्रकार से नोएडा, दिल्ली के आसपास नोएडा का समग्र विकास हुआ, NCR विकसित हुआ, NCR की अवधारणा सामने आई और उसे स्वरूप भी दिया गया, तो स्टेट कैपिटल रीजन की भी बात है। लोग चाहते हैं कि लखनऊ को जो विकास का अधिकार, जो तरक्की की रफ्तार लखनऊ को मिल रही है वो लखनऊ के जो आउटस्कर्ट्स एरिया हैं, आपके निकट बाराबंकी है, आपके निकट उन्नाव है और ये सब क्षेत्र जो हैं, इनके जो निकटवर्ती क्षेत्र हैं वो कहीं ना कहीं लखनऊ का बर्डन भी शेयर कर रहे हैं। आसपास पूरे UP के लोग जो बस रहे हैं लखनऊ में, उन्हें लखनऊ में जगह नहीं मिल रही, तो आसपास के जनपदों में जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, कॉलोनाइजिंग हो रही है, तो आसपास के जिलों को लेकर जो स्टेट कैपिटल रीजन का जो कॉन्सेप्ट है, क्या इस पर भी कुछ विचार है? अब LDA के स्तर पे तो भी विस्तार का प्रकरण ऊपर से कहा गया जो हम लोगों ने मेट्रोपॉलिटन एरिया में भेजा था। अब इस संबंध में उच्च स्तर पे या शासन स्तर पे कोई निर्णय लिया जा रहा होगा तो मुझे इस जानकारी। बाराबंकी के 3 विकास खंड शामिल होने की बात है और बाराबंकी नगर का जो संपूर्ण क्षेत्र है नगर पालिका का, उसको भी शामिल करने की बात है। ये तो 3 ब्लॉक का जो मेट्रोपॉलिटन एरिया में है उसमें ही है कि लगभग लखनऊ के संपूर्ण क्षेत्र, लीडा का क्षेत्र और 3 ब्लॉक जो है वो बाराबंकी के हैं जो मेट्रोपॉलिटन बाउंड्रीज में हैं, उन्हें हम लोग शामिल करने के लिए रिपोर्ट भेजी है। भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए कि नए एयरपोर्ट, नए मेट्रो स्टेशंस, नए बस स्टेशंस, तो क्या ये सारी चीज़ें भी और आगे जोड़ी जाएंगी जिससे जो आउटस्कर्ट्स के लोग हैं, जो किनारे रहते हैं शहर के, पुराने जो पिछड़े क्षेत्रों में रह रहे लोग, वो भी आधुनिक सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे? भविष्य की प्लानिंग के लिए कि जैसा आप देख रहे हैं किसान पथ है, उसके बाद किसान पथ के बाद जो हमारा कॉरिडोर है एक नया बन रहा है डिफेंस कॉरिडोर, उसके साथ लखनऊ और कानपुर के बीच में एलिवेटेड रोड से 6 लेन बन रही है, वहाँ एयरपोर्ट का भी विस्तार हो रहा है। फ्यूचर में
लॉजिस्टिक प्लान है और मोबिलिटी प्लान है उसको भी लेके हम लोग चल रहे हैं, और साथ ही साथ जो विस्तार करें प्लान्ड एरिया में जितने भी हमारे इंटीग्रेटेड टाउनशिप या और भी टाउनशिप आ रहे हैं उनके लिए भी हम लोग अभी से प्लान्ड वे में आरक्षित करेंगे ज़मीनें नई योजना में, कि जिससे कि प्लान डेवलपमेंट हो, हैज़र्ड न हो। तो अब 2051 के लिए तैयारी शुरू हो गई है और विकास जो है वो दूरदृष्टि के साथ होगा, एक नए विजन के साथ होगा, और ये देखा जाएगा कि आने वाले कई दशकों में जो आवश्यकताएं होंगी राजधानी की और राजधानी के आसपास के क्षेत्र की, उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक समग्र विकास की अवधारणा को धरातल पर उतारा जाए। हमारी शुभकामनाएं हैं लखनऊ विकास प्राधिकरण को, और उत्तर प्रदेश सरकार ने गंभीरता दिखाई है तो निश्चित तौर पर आने वाला जो कल होगा लखनऊ का और लखनऊ के आसपास जो लोग उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों के हैं उनका आने वाला कल जरूर बेहतर होगा। द इंडियन ओपिनियन के लिए लखनऊ से दीपक मिश्रा।